वैसे तो भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही भोले हैं और कलयुग में भगवान भोले ही सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से एक हैं। शिवलिंग पर कई चीज़ों को चढ़ाकर आप अपनी मनोकामनाओं को भोले बाबा से पूरी करवा सकते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा हर देवी देवता के लिए कहा जाता है कि देवी देवता को अगर उनकी मनपसंद का प्रसाद भोग आदि चढ़ाया जाए तो देवी देवता जरूर ही मनवांछित फल देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से भगवान हमसे नाराज भी हो सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे भगवान शंकर, जो कि भोले के नाम से जाने जाते हैं, वह भी आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपसे क्रोधित हो सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं उन बातों के बारे में जिससे भगवान भोले आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और ये बातें हम आपको शिव पुराण के अनुसार बता रहे हैं। बता दें आपको, शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था और कहा था शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते। तुलसी के पत्ते, यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजे के काम आती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैव्य गुणों वाले पत्तों से दूर रखा था। शंख से जल, दैत्य शंख चूर्ण के अत्याचारों से परेशान थे, तब भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंख चूर्ण का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुमकुम या सिंदूर, सिंदूर जो कि विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को अर्पित भी करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा नहीं की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें, शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से भी किया जाता है उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, हल्दी भी कभी नहीं चढ़ाएं। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं का पूजन हल्दी और औषधि के रूप में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री तत्व की वस्तु है, स्त्री यानी स्त्रियों से संबंध रखने वाली। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।